भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजेंद्र तिवाना जी ने यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया और बहुत बड़े शानदार ढंग से उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे का हेतु यही है कि हमारे जो नए बच्चे बड़े होते हैं इन दिनों में, उनको स्कूल और कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने क्या किया, ये बहुत डीपली सिखाया नहीं जाता। इसलिए आने वाले दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन काल के सारे जो काम उन्होंने किया जनता के हित में, वो आज की पीढ़ी के दिलो दिमाग में उतरे। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया, इसलिए सांसद के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में हम गौर गरीब सामान्य लोगों का सेवा जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उन दिनों में किया था, उसी प्रकार का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। आम्ही सगळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहात। आज ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, हम सभी के लिए ये गर्व का मौका जो छत्रपती शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव है, इसे धूमधाम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा शिवनेरी किले में मनाया गया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पे छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिवादन करते हुए आज उनका जन्मोत्सव मनाया है बड़े भव्यता से। और ऐसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा एक पोवाड़ा कार्यक्रम, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध उदय साटम का जो ग्रुप है, वो ग्रुप के द्वारा आज भुजाले तालाब मलाड पश्चिम में मनाया गया और आपने देखा कैसे सैकड़ों की संख्या में सभी लोगों ने ये उत्सव मनाया और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्मदिन है वो हम सभी देशवासियों के लिए दिवाली से कम नहीं है। और आज आप सबको महाराष्ट्र के मुंबई के मलाड के रहवासी दिवाली मनाते हुए आज भुजाली तालाब में आप सभी को दिखाई दिए। सिर्फ मैं नहीं और मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों युवक ही नहीं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेते हैं और कहीं ना कहीं देश को इतने बेहतरीन तरीके से और विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर जो लेके चले, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेकर आज हमारा भारत देश विश्वगुरु बनाने के राह पर चल रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान को हिंदुत्व के राज्य घोषित करने की मांग हो रही है और में जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो आयोजन किया गया हिंदुत्व स्वराज महोत्सव का, मैं खुद महाराष्ट्र हूँ, जय महाराष्ट्र। मेरे बहुत खुशी है कि हमारे अध्यक्ष आशीष शेलार जी, देवेंद्र हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री शिंदे साहब, ये सभी ने मिलकर डिसीजन लिया था कि हर जगह पे मुंबई में 19 तारीख को मार्च होना चाहिए। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ये होना जरूरी है। जैसे हम लोग बोलते गोपाल शेट्टी जी, शिवाजी महाराज मैंने बहुत सर शिवसेना को देखा था करते समय, मेरे घर के नीचे ही करते थे तो मुझे अच्छा अनुभव है। मुझे कुछ को बुरा भी लगता था, ये क्या है, एक छोटी सी मूर्ति लगा के चला जाते थे और कोई एक आधा गाना चालू कर देते थे, बस उतना ही वो लोगों का शिव जयंती का एक महत्व था। ऐसा नहीं होते हुए हमको बहुत अभिमान है कि हम लोग अपने शिवाजी महाराज के नीचे हम लोग अभी आज जन्म लेके आज पैदा होके सब लोग अपने भूमि में यहाँ खड़े हैं। शिवाजी महाराज जैसे बहुत कम ही लोग होते, लेकिन हो भी सकते जो जिसके अच्छा दिल में कुछ करने का धैर्य शौर्य और मन की भावना हो तो शिवाजी महाराज नहीं हो सकते, लेकिन शिवाजी महाराज जैसे थोड़े होने का प्रयास करना चाहिए। लोगों ने धाड़स चाहिए, हर चीज़ में हिम्मत चाहिए और करने का, कि ऐसे नहीं है कि मैं एक सुख मेरे लिए जीऊँगा तो मैं दूसरे के लिए जीना चाहूँगा और दूसरे के लिए सहकार्य करूँगा, दूसरे के उपयोग आ जाएगा। ये एक्चुअली हिंदुत्व इसको बोलते कि किसी को भी जाके मदद करना, उनके जो है समाधान करना और उनके उपयोग आना, यही एक्चुअली हमारा हिंदुत्व का एक बड़ा ये है। कि मैं खुद मराठी है, मुझे बहुत अभिमान है। अभी गाना गाते समय मुझे भी इतना ऐसा लगता था, खुद माइक लो मैं भी गाऊँ क्या, मुझे ये सब बचपन से हम लोग ये गाने गाए हुए स्कूल में और आज भी हमें बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक स्फूर्ति आ जाती है, एक उम्र भूल के हम लोग एकदम उत्साही होकर हम नाचने लगते हैं।